डे स्टूडेंट्स इन दिस मोड्यूल वी आर गोइंग टू डिसकस थ्री टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी फर्स्ट वन इज़ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी अपवर्ड सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द मूमेंट ऑफ इंडिविजअल और ग्रुप्स फ्राम आ लोअर सोशल पोजिशन टू द हायर वन सोशल स्टार्टिफिकेशन के अंदर चूंकि डिफरेंट पोजिशंस होती हैं और हम बचपन से लेके तो जैसे जैसे हम आगे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी डिफरेंट सोशल पोजिशन और डिफरेंट स्टेटस जो हैं वो सोसाइटी के अंदर क्रिएट होते रहते हैं लेकिन इसके अंदर हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या हमारे लिए जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है वो ये होता है कि हम माशरे के अंदर मौजूद उन सोशल पोजीशंस को देखें उनको जो है अपना टारगेट बनाएं जो कि हमें अपवर्ड सोशल मोबिलिटी में हेल्प कर सकें मसलन कोई भी बच्चा जो है वो अपनी क्लास के अंदर आ, एजुकेशन सिस्टम में अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट आने की कोशिश करता है उसकी बड़ी वजह यही होती है कि उस उस सोशल पोजीशन को जो है प्रेस्टीज हासिल होती है इसी तरह से जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो जो ल्यूक्रेटिव सोशल पोजीशंस होती हैं जो कि प्रोफेशंस भी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशंस होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो मौजूद पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनके हवाले से भी हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम उन पोजीशंस को एक्सेस कर सकें जो हमारे लिए अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की पॉसिबिलिटीज पैदा करें दैन वी हैव द डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी विच रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्राम अ हायर सोशल पोजिशन टू द लोअर वन तो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी में तो हमारे लिए जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसमें हमारी ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन की तरफ़ जा सके। लेकिन जो डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी है इसमें हालात वाक़ इस तरह के हो जाते हैं कि लोगों के लिए शायद अपनी उस एग्जिस्टिंग सोशल पोजीशन को सस्टेन करना या मेंटेन रखना मुमकिन नहीं रहता इकोनॉमिक क्राइसिस के आने की सूरत में जैसे रिसेंट पास्ट के अंदर आपने देखा कि कोविड नाइन्टीन की वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली गई बहुत से लोगों का कारोबार जो है वो ख़त्म हो गया और बहुत से लोग जो हैं वो अपने उस रूटीन या नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन से महरूम हो गए तो इस कोविड uh, नाइन्टीन की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी उस एग्जिस्टिंग पोजीशन से डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी की तरफ गए दैन वी हैव द इंटर जनरेशनल सोशल मोबिलिटी टू द चेंजेस इन सोशल स्टेटस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ओवर टाइम तो इसमें इंटरेस्टिंगली ये देखा जाता है कि आ, बच्चा जिन माँ बाप के घर में पैदा हुआ है उनकी हरार्किकल पोजीशन क्या थी उनका सोशल स्टेटस क्या था और वो स्टेटिफिकेशन के अंदर किस पोजीशन पे थे फॉर एग्जांपल अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे जो हैं वो पैदा होने के बाद अपनी उस पोजीशन को मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंटर सोशल मोबिलिटी जो है वो डाउनवर्ड हुई है और लेकिन अगर वो बच्चे जो किसी गरीब माँ बाप के घर पैदा होते हैं और उसके बाद अपनी मेहनत हार्डवर्क के बलबूते के ऊपर किसी ऐसे प्रस्टिजियस पोजीशन या हायर इकोनॉमिक पोजीशन को अचीव कर लेते हैं जो कि उनके पेरेंट्स के पास नहीं थी तो इसको हायर आ, या अपवर्ड इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहा जाता है आपके लिए एज़ अ सोशालोजस्ट पाकिस्तान में जो ऑब्ज़र्व करने के लिए आपको देखना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो आपके पेरेंट्स हैं और ख़ास तौर पर आपके जो कोलीग्स हैं आपके फैलोज़ हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के दरमियान जो ये इंटर जनरेशन सोशल मोबिलिटी है उसका पैटर्न क्या रहा uh -huh. है क्या औ, अ, वो जो पेरेंट्स हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की नस्बत जो है वो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की तरफ गए हैं या डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी की तरफ गए